हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। भाई साहब, आज की वीडियो बहुत ही तगड़ी है। ऐसे एक्सक्लूसिव इंसाइट्स लेकर क्या हो ना मोहम्मद साला से सऊदी वाला जो लिंक चल रहा है उसके बारे में कि तुमको मजा आ जाएगा सुनकर के। साथ ही साथ हालैंड ने जो है वो प्राइम के साथ पार्टनरशिप डील तो साइन कर ली है, लेकिन क्या वो बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा हालैंड के लिए, थोड़ी सी खबरें उसके से रिलेटेड भी और बार्सिलोना से ट्रांसफर रिलेटेड खबर लेकर क्या बहुत ही तगड़ी। तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई नो अच्छा नहीं लगता यार, हर वीडियो की शुरुआत में भीख मांगने लग जाते हो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। भाई बात ही कुछ ऐसी है, 100K पहुंचना है ना, इसलिए बोलता हूं यार, तो सब्सक्राइब कर देना जिन्होंने नहीं किया है। बाकी बात रही लाइक और कमेंट की, वो तो आपकी मेहरबानी एल्गोरिदम के लिए, ताकि YouTube धक्का मारे हमारी वीडियो को, वो आप ही से पॉसिबल हो पाएगा लाइक और कमेंट से। कमेंट ऑफ दी वीडियो के आखिरी में वीडियो को चालू करते बिना किसी देरी के। फुटबॉल की खबर है किचन के साथ, लेट्स बिगिन विथ हालैंड की खबर। तो हालैंड ने भैया ऑफिशियली साइनिंग कर दी है टू बिकम दी फेस ऑफ इनके फुटबॉल का सिनेरियो। अब देखें भाई, जब प्राइम लॉन्च हुआ था ना, मैंने नहीं सोचा था कि ये लोगन पॉल और KSI की कंपनी इतनी बड़ी बन जाएगी। वी हैव सीन दिम साइनिंग डील्स विद भाई फुटबॉल के बड़े बड़े क्लब्स, बार्सिलोना, आर्सेनल, बायर्न, सभी जो है वो प्राइम के जो है वो ऑफिशियल हाइड्रेशन पार्टनर हैं। साथ ही साथ भाई इन लोग फुटबॉल से तो आगे निकल करके UFC के भी ऑफिशियल जो है वो पार्टनर बन गए, और उसके साथ ही साथ इन्होंने दो बेस्ट फाइटर UFC के जो है वो साइन कर लिया। आप UFC नहीं देखते हो तो आप बहुत बड़ा स्पोर्ट मिस कर रहे हो, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। मैं देखता हूं भाई, अलेक्जेंडर को भी साइन कर लिया, इजराइल अदेसेनिया को भी साइन कर लिया टू बिकम देयर यू नो एज़ ए फेस ऑफ द कंपनी UFC के सिनेरियो पे। और भाई दोनों चैंपियंस है अपने जो है वो वेट कैटेगरी में। आपका जो अलेक्जेंडर है वेलोनोस्की, जो भी उसका नाम है भाई, थोड़ा मैं नहीं सरने मरने ले पाता हूं, पता है तुम लोग को, बीमारी मेरे UFC में भी है। तो वो अलेक्जेंडर भाई ऑस्ट्रेलियन फाइटर भाई साहब, उसका रिकॉर्ड कुछ ऐसा है ना कि 22 विन 2 लॉसेस ऐसा करके कुछ उसका रिकॉर्ड है, थोड़ा गलत हो सकता है मेरा, लेकिन भाई वो चैंपियन है भाई, वेट क्लास स्विच करके भी चैंपियन बना, उसके बाद फिर हार गया ऑल दो इस्लाम में कचाओ से, फिर नीचे आ करके फिर से जो है वो जिस वेट क्लास में था उसका चैंपियन फिर से बन गया, तो अभी वो लाइट वेट चैंपियन है। और इजराइल अदेसान्या की कहानी इतनी प्यारी है UFC की, मैं तुमको क्या ही बताऊं भाई, परेरा को हरा करके फिर से चैंपियनशिप जो है वो अपना वापस लिया। तो दोनों चैंपियन है भाई अपने अपने वेट कैटेगरी के, और दोनों के कमाल के खिलाड़ी फेस हैं प्राइम के। अब फुटबॉल में लोग सोच रहे थे कि भाई UFC में तो हमने चैंपियंस को जो है वो साइन कर लिया, फुटबॉल में किसको साइन करें, अर्लिंग हालैंड को साइन कर लिया है एज द फ्यूचर ऑफ द ब्रांड। और भाई बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, अर्लिंग हालैंड सच में भाई फ्यूचर है फुटबॉल का। वो भाई ट्रेबल जीता है, वो भाई गोल्स स्कोर करता है, वो भाई गोल्डन बूट जीता है। राइट नाउ एम्बाप्पे से ज्यादा हॉट कमोडिटी मार्केट में अर्लिंग हालैंड है, और साइन कर लिया भाई प्राइम ने इसको, बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी प्राइम के लिए। अब बात रही अर्लिंग हालैंड के लिए बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा, मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि अगर इक्विटी पे जो है वो साइनिंग हुई है यहाँ पे अर्लिंग हालैंड की, तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है खेल, बिकॉज ये सब कंपनीज थोड़ी सी हाइप कंपनीज रहती है, जब तक इनका हाइप है तब तक इनकी जो है वो चार्म है, हाइप खत्म होगा तो फिर जो है वो भाई आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो अप फ्रंट मनी मिला होगा अर्लिंग हालैंड को तब तो बहुत बेहतरीन डील है, लेकिन अगर इक्विटी में डील हुई होगी तो थोड़ा सा लोचा है भाई। बट स्टिल इन्होंने अपना ब्रांड वैल्यू ऐसा बना दिया भाई बड़े बड़े कंपनी से जो है वो भाई स्पॉन्सरशिप दे करके उन लोगों को, कि मैं क्या ही बताऊँ, UFC बड़े बड़े फुटबॉल क्लब्स, बड़े बड़े UFC के फाइटर्स, और अब हमने देख लिया अर्लिंग हालैंड को भी एज द ऑफिशियल पार्टनर फॉर प्राइम। ऑल दो अगर तुमने KSI का इंस्टाग्राम पेज में वो दो रील नहीं चेकआउट करी, जरूर जाकर के चेकआउट करना, रियली वेरी गुड। अर्लिंग हालैंड वाज प्रीवियसली अ फैन ऑफ KSI एंड नाउ KSI की ब्रांड ने उसको जो है वो अपना स्पॉन्सर बनाया है। मोर ओवर KSI यूज्ड टू भाई यू नो, मैं KSI की स्ट्रीम देखता था बचपन में, तो वो यही फीफा के कार्ड्स वगैरह अनलॉक करता था प्लेयर्स के, अब वो हैंग आउट कर रहा है प्लेयर्स के साथ यार। तो दोनों ने अपना करियर अपनी अपनी जो है रिस्पेक्टिव फील्ड में कहां से कहां पहुंचा दिया, मजा आ गया भाई। हम भी पहुंचा सकते हैं अगर तुम सब्सक्राइब कर दोगे 100K। एनीवेज भाई अगली खबर में आ जाते हैं, और वो है टर्स्टेगन की एक्सटेंशन। भाई साहब, सो टर्स्टेगन की एक्सटेंशन हो चुकी 2028 तक, विच इज अ वेरी गुड मूव फॉर बार्सिलोना, ए सैड मूव फॉर इनाकी पेनिया, बिकॉज ऑब्वियसली इनाकी पेनिया वाज लुकिंग कि भाई मैं टर्स्टेगन को कभी तो रिप्लेस कर पाऊंगा, बट 2028 तक कोई सीन नहीं है भाई तेरा, क्योंकि टर्स्टेगन अपने प्राइम पे चल रहा है। पिछले सीजन गोल्डन ग्लव की ट्रॉफी प्लस इस सीजन भी कमाल के कुछ सेव्स के साथ बार्सिलोना को जो है वो भाई टर्स्टेगन ने बचाया है। अब तो अच्छी डिफेंस भी आ गई है भाई सामने, तो लगता है कि हाँ टर्स्टेगन जो है वो भाई अच्छे से गोलकीपिंग कर सकता है। रही बात भाई इसके एक्सटेंशन के टर्म्स की, तो मैं वो
आपको बताना चाहूंगा जिससे तुम्हारे लिए जो अंदर रिस्पेक्ट है ना टस्टेगन के लिए वो भाई स्काई रॉकेट हो जाएगी। भाई टस्टेगन ने जो है वो अपने वेजेस 30% तक जो है वो कम करवा दिए हैं और अभी उसने ये पेमेंट्स को डिफर करवाया है कि परमानेंटली कम करवा दिया, इसके ऊपर कोई खबर सच ऑफिशियल नहीं आया है सो मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। बट हाँ इतना जरूर पता है कि उसने अपनी सैलरी को कम करा है अपने नए कॉन्ट्रैक्ट में। एंड यू नो इट, आई नो इट, टस्टेगन वॉज वन ऑफ द हाइएस्ट पेस्ड प्लेयर इन बार्सिलोना बिकॉज ऑफ नन अदर देन बार्टोमेउ, बेवकूफ आदमी। फ्रेंकी डी योंग इज ऑल्सो वन ऑफ द हाइएस्ट पेड प्लेयर राइट नाउ, लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्ट 2026 तक है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अभी वहां पे देखो क्या चलता है क्या नहीं चलता है। बट टस्टेगन का नया कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन प्लस सैलरी कम करना, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर बार्सिलोना। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, इससे आ जाता है अपन अपनी थर्ड खबर में और थर्ड खबर है ट्रांसफर्स। देखो दोस्तों बात यह है कि जैसे सैलरी कम हुआ टस्टेगन का वैसी फाइनेंशियल फेयर प्ले में कुछ जगह बन गई बार्सिलोना के लिए और उन जगहों से जो है वो कुछ रूम बन गया है प्लेयर्स को साइन करने और रजिस्टर करने के लिए। स्टिल दो प्लेयर जो है वो एट दिस मोमेंट रजिस्टर्ड नहीं है बार्सिलोना में और वो है एक मार्कोस अलोंसो और इनाकी पेन्या। इनाकी पेन्या को रजिस्टर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एज कम्पेयर टू मार्कोस अलोंसो मेरे ओपिनियन में, क्योंकि भाई नहीं वैसे दोनों को इंपॉर्टेंट होगा, अगर बाल्दे को रिप्लेस करना तो अलोंसो लगेगा और टस्टेगन बाई चांस खुदा न खासा इंजर्ड हो गया तो फिर इनाकी पेन्या लगेगा। तो भाई अब वही बात है कि इन दोनों के रजिस्ट्रेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बार्सिलोना में, तो उस जो सैलरी का आप कह सकते हो बचा है पैसा 30% टस्टेगन की सैलरी का, उससे शायद रूम खुल रहा है इन दोनों को जो है वो रजिस्टर करने के लिए। लेकिन शायद तब भी कुछ शायद रूम बच रहा है फॉर अनदर रजिस्ट्रेशन और वो है हमारे नए प्लेयर जोआओ कैंसेलो के लिए। रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं, ऑल दो मैं फिर से कह रहा हूँ दोस्तों ये जो खबर है, देखो अगर मेरे को फुल कॉन्फिडेंस रहता तो मैं तुम लोग को बोल देता हूँ 100% ये होने वाला है, बट मेरे केवल एक ही सोर्स ने ये जो है वो भाई खुलासा किया है और मेरे दो तीन और सोर्सेस हैं बार्सिलोना में, उन्होंने जो है ये खुलासा नहीं किया है, तो मैं इस चीज़ के ऊपर तख्ता जो है वो भाई आप लोगों को 100% नहीं कह सकता हूँ, बट शायद 40-50% ऐसा हो सकता है कि 48 आवर्स के अंदर यानी कि 2 दिन के अंदर जोआओ कैंसेलो टू बार्सिलोना हो सकता है। नॉट 100% श्योर, अगेन आई एम सेइंग 100% रहता है मैं तुमको पहले बता देता हूँ और मैं बोल के बोलता हूँ कि फेब्रुअरी से पहले बता रहा हूँ, बट अभी कंफर्मेशन नहीं है इसलिए थोड़ा सा मैं झिझक रहा हूँ। 48 आवर्स के अंदर जोआओ कैंसेलो की डील सील हो सकती है बार्सिलोना में, 1 साल का लोन और फिर उसके बाद मैंडेटरी परचेस ऑप्शन 35 मिलियन का, फिगर्स थोड़े से डिफर हो सकते हैं बट 1 साल का लोन ही होगा। सोच 48 घंटे के अंदर हो सकता है आपको देखने को मिल जाए जोआओ कैंसेलो, जस्ट बिकॉज यहां पे टस्टेगन ने अपनी सैलरी कम कर दी है तो कुछ प्लेयर्स के लिए जो है वो जगह बच गया है। रही बात जोआओ फेलिक्स की, तो जोआओ फेलिक्स की जो डील है वो अभी उतनी अच्छी नहीं नजर आ रही है, देयर आर कपल ऑफ रीजंस बिहाइंड इट, मैं वो भी आपको बता दे रहा हूं। एथलेटिको मैड्रिड वांट्स टू भाई साहब ओनली एंड ओनली सेल टू बार्सिलोना जोआओ फेलिक्स को जब उनको जो है वो कुछ मॉनेटरी बेनिफिट होगा। अब वो मॉनेटरी बेनिफिट क्या मैं आपको बता दे रहा हूं कि भाई हम अगर उसको लोन में दे रहे तो आप हमको 15 मिलियन की जो है वो आप हमको लोन फी दो और उसके बाद 9 मिलियन की जो उसकी सैलरी वो भी आप पटाओ। बार्सिलोना बोल रही है ये सब चुकिया पाई अपन नहीं करेंगे, सिंपल अगर तुम लोन का ऑप्शन दोगे 9 मिलियन की सैलरी के साथ तो हम जो है वो एक बार बात कर सकते हैं विदाउट एनी परचेस ऑप्शन एज वेल, और एथलेटिको मैड्रिड परचेस ऑप्शन भी घुसाना चाह रही है। सो अभी दोनों के एक्सपेक्टेशंस बहुत दूर दूर तक मिल ही नहीं रहे हैं जिसके चलते लग रहा है जोआओ फेलिक्स का कुछ सिनेरियो नहीं हो पाएगा और टस्टेगन के जो ये सैलरी कम करने के चलते 2-3 ही प्लेयर की जगह बचेगी, जोआओ फेलिक्स की जगह नहीं बचेगी। तो मुझे नहीं लगता कि जोआओ फेलिक्स होगा लेकिन हाँ जोआओ कैंसेलो हो सकता है। अब बात कर लेते हैं भाई द एक्सक्लूसिव खबर ऑफ मोहम्मद साला सऊदी अरेबिया से रिलेटेड। सो भाई इतिहाद इज रियली वेरी वेरी मच इंटरेस्टेड टू साइन मोहम्मद साला एंड दे आर रेडी टू स्प्लैश एनी अमाउंट ऑफ मनी इन ऑर्डर टू साइन मोहम्मद साला। मेरा ये मानना है कि मोहम्मद साला इज द मोस्ट वैल्यूएबल एंड द मोस्ट फॉलोड मुस्लिम प्लेयर इन द होल फुटबॉल का गेम आज के दिन पे, तो मेरे ख्याल से दिस इज द रीजन व्हाई एंड इतिहाद का इंटरेस्ट इज सो मच कि अरब में मोहम्मद साला के फैन फॉलोइंग इज ऑन अनदर लेवल, क्योंकि ऑब्वियसली मोहम्मद साला मुस्लिम एंड अरब में एवरीबॉडी लव्स मोहम्मद साला, इवन एवरीबॉडी लव्स मोहम्मद साला, नोबॉडी हेट्स दिस गाय बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, ही हैज नो हेटर्स भाई, ही इज अ वंडरफुल प्लेयर एंड वंडरफुल ह्यूमन एज वेल। सो भाई सिंस ही इज द मोस्ट फॉलोड एंड मोस्ट फैन फेवरेट मुस्लिम फुटबॉल प्लेयर राइट नाउ, अल इतिहाद इज रेडी टू स्प्लैश एनी अमाउंट फॉर मोहम्मद साला इन ऑर्डर टू ब्रिंग हिम। अब भाई इसमें दो लोगों का जो है वो अग्रीमेंट मांगता है, मोहम्मद साला और लिवरपूल का। रही बात मोहम्मद साला की, मोहम्मद साला वॉन्ट्स टू मूव टू सऊदी, ये बात छुपी नहीं रह गई है एंड ही इज नॉट यू नो लुकिंग टू रिजेक्ट दिस सऊदी का ऑफर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसको वो रिस्पेक्ट और ओहदा मिलेगा ऑब्वियसली टू बी दी बेस्ट पेड प्लेयर इन दी होल हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल, इवन रोनाल्डो से ज़्यादा वेज देने के लिए तैयार है मोहम्मद साला के लिए सऊदी वाले। दिस इज ऑल्सो एन एक्सक्लूसिव खबर,
अंदर, एंड मोहम्मद सलाह को वो पैसे भी मिलेंगे और वो इज्जत भी मिलेगी वहाँ पे। अब सीधी सी मैं आपको बात बता दूँ, मोहम्मद सलाह बट एट द सेम टाइम डज नॉट वॉन्ट्स टू मेक लिवरपूल सैड एज वेल, बिकॉज लिवरपूल ने ही जो है वो मोहम्मद सलाह को एक स्टेपिंग स्टोन दिया अपने करियर को इस लेवल तक पहुँचाने के लिए। सो मोहम्मद सलाह वॉन्ट्स टू भाई प्लीज लिवरपूल एज वेल, बट ही इज एट द सेम टाइम नॉट सेइंग नो टू सऊदी अरेबिया एज वेल। यानी कि पूरा सिनेरियो जो है वो अब लिवरपूल के ऊपर है। अब बात रही लिवरपूल की, तो लिवरपूल के मैनेजर जर्गन क्लॉप क्या कहते हैं वो आप लोग खुद सुन लो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। लिवरपूल के जो है वो मैनेजर डायरेक्टली ये कहते हैं कि इट्स अ बिट डिफिकल्ट टू टॉक अबाउट मीडिया स्टोरीज, वी डू नॉट हैव एन ऑफर, मो साला इज अ लिवरपूल प्लेयर एंड फॉर ऑल द थिंग्स वी डू इज असेंशियल, इफ देयर वुड बी समथिंग द आंसर वुड बी नो। डायरेक्ट कह दिया है नो। Moreover, I already said if there would be something, it would be no. Mo is 100% committed to Liverpool. But I highly doubt this, that if an offer comes with a staggering world history ka offer like 200 million or 180 million or something around that figure, Liverpool will definitely sell Mohamed Salah. And Mohamed Salah is also open to move to bhai Saudi. 9 din bache hue hain, dekhne wali baat hogi kya hoga is खबर के ऊपर नज़र बना करके रखना, डिपेंड्स अपॉन इतिहाद कितना जो है वो पैसा देने के लिए तैयार है मोहम्मद सलाह के लिए। लेकिन मेरा एक ओपिनियन, मैं अपना आपको बता रहा हूँ मोहम्मद सलाह के लिए, मोहम्मद सलाह शुड स्टे एट लिवरपूल राइट नाउ एंड वो अपने करियर को और बिल्ड करे। अभी उसका प्राइम चल रहा है, ही कैन विन सेवरल ट्रॉफीज मोर एंड गो स्कोर मोर गोल्स मोर असिस्ट एंड एवरीथिंग ही कैन डू इन यूरोप, ही कैन डू विद लिवरपूल। ऑलरेडी वो जीत चुका है एवरीथिंग विद लिवरपूल, इसमें कोई डाउट नहीं, बट ही शुड स्टे इन यूरोप फॉर वन और टू मोर सीजंस, उसके बाद he can move to Saudi, no doubt he will move to Saudi 110% sure। agar mere se aaj koi puche na tell me one player ka naam who will move to Saudi 100%, main directly Mohammed Salah ka naam bolunga, because obviously wo muslim wala factor hai bhai, to Mohammed Salah obviously jayenge Saudi, to 2 saal ke baad bhi I am pretty much sure after Ronaldo will be retiring भाई देयर विल बी सेम ऑफर एग्जिस्टिंग ऑन द टेबल फॉर मोहम्मद सलाह सऊदी से। ये ऑफर में कोई कमी बेसी नहीं हो पाएगी, 2 साल अगर मोहम्मद सलाह रुक भी जाएगा तो भी ये सेम ऑफर रहेगा उसके टेबल में। तो वाई यू नो वेस्ट 2 साल सऊदी में जा करके जब वो यहाँ अपना नाम कमा सकता है। बट वी हैव सीन करीम बेंजिमा मूविंग देयर व्हेन ही हैड अ लॉट टू ऑफर इन यूरोप, वी माइट सी मोहम्मद सलाह ऑल्सो गोइंग कि भाई 2 साल ज़्यादा पैसे कमा लूँगा मैं है ना, 200 कुछ मिलियन जो है वो रोनाल्डो की सैलरी है, तो 210 मैं कमाऊँगा तो 400 मिलियन कमा लूँगा भाई 2 साल एक्स्ट्रा दे करके। ये भी हो सकता है मोहम्मद सलाह के ऊपर। सो एवरीथिंग नाउ डिपेंड्स अपॉन लिवरपूल, बट लिवरपूल के मैनेजर ने डायरेक्टली नो कह दिया है, बट आई थिंक सो अगर ज़्यादा पैसा देंगे तो ये यस में बदल जाएगा लिवरपूल के ओनर से, और फिर उन पैसों से उसी प्लेयर को साइन कर सकते हैं। तो यही थी मेरी भाई पूरा ओपिनियन अपन मोहम्मद सलाह एंड सम एक्सक्लूसिव इनसाइट्स एज वेल कि क्या उसकी सैलरी होगी सऊदी में, और रही बात दूसरे ट्रांसफर खबरों की, मैंने वो भी आपको जो है बता दी। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करके जाना। अब कमेंट ऑफ द डे पे आ जाते हैं। पहला कमेंट हमारे गोकू भाई का, भाई कह रहे हैं कि भाई आज वन ऑफ द सैडेस्ट डे है ऑफ माई लाइफ, ब्रे वाइट ऑफ WWE हैज पास्ड अवे, आई कैन बिलीव इट टिल नाउ, ही वॉज माई फेवरेट सुपर स्टार, रेस्ट इन पीस वाइट। बिल्कुल यार, रेस्ट इन पीस वाइट, मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट सुपर स्टार था भाई, जो उसने कमाल किया है भाई वेट फैमिली वाला, और उसके बाद जो अभी रिसेंटली जो वापसी किया था भाई, तो भी मज़ा आ रहा था देख करके एले नाइट के साथ, बट सैडली भाई ही हैज़ लेफ्ट अस। बाकी रेस्ट इन पीस मेरे तरफ से भी रहेगा भाई, बहुत बुरा लगा सुन करके, बट अब क्या कर सकते हैं भाई, दिस इज़ लाइफ। अगले कमेंट पे आ जाते हैं भाई, और वो है हमारे ओई राजीव भाई का। भाई कह रहे हैं कि पेद्री का रिप्लेसमेंट शावी को तो अब फर्मिन को चांसेस देना ही चाहिए यार, कब तक रोबर्टो को खिलाएगा, अब लो सेल्सो को ले आओ, अब लो सेल्सो को लाओगे तो हमारा ला मासिया प्लेयर को कब चांसेस देगा यार शावी। लो सेल्सो को कोई सिनेरियो नहीं चल रहा है भाई यहाँ पे, ठीक है। लो सेल्सो को ना किसी एक क्लब से चल रहा था, मैच पढ़ रहा था लेकिन मैं भूल गया हूँ, तो बार्सिलोना से कोई सिनेरियो नहीं है भाई लो सेल्सो का, भूल जाओ। यही बात रही फर्मिन लोपेस की, मुझे लग रहा है कि उसको जो है वो चांस देगा शावी पेद्री के इंजरी के बाद, बट गावी को ज़्यादा चांसेस मिलने की उम्मीद है। बाकी आखिरी कमेंट लेते हैं, और वो है हमारे MMS महार्जन भाई का। भाई कह रहे हैं कि भाई मोहम्मद सलाह के बारे में बता दो क्या सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि आप ही जो हो वो सही न्यूज़ देते हो, लव यू AKG भाई, मैंने वो आपको आज की वीडियो में बता दिया। तो ये थे हमारे कमेंट दोस्तों, बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ।